कुवैत में एयरपोर्ट पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं आरोपी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा कि एयरपोर्ट रूल्स कुछ नए आ गए हैं। इस रूल्स के मुताबिक आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज बताते हैं आप लोगों को। आज के वीडियो में प्रवासियों के खिलाफ चल रही है जाँच। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमों के खिलाफ काम करने वाले प्रवासियों की जाँच की चल रही है। यह बताया गया है कि अंतरिम मंत्रालय के जनरल ट्रैफिक ड्राइवर डिपार्टमेंट ने 5 आरोपियों को पैसेंजर पिकअप से जुड़ी नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से तीन प्रवासी बैड न्यूज़ है। तीन प्रवासियों को किया जाएगा डिपोर्ट। बताते चलें, इस बात की जानकारी दी गई है कि तीन प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई कि अगर कोई वेड यूनियन कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अवैध तरीके से काम करता दिखे तो उसका वाहन 2 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। तो भाई अगर लोग अगर जो एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाते हैं या और भी कुछ काम करते हैं तो बिना लाइसेंस के करते हैं तो आपके गाड़ी चला जाए तो आपका गाड़ी जमा हो जाएगा। आप ऐसा कुछ ना करें। चलिए वीडियो को आगे और बताते चलते हैं। यही कारण है कि इस मामले में वेड यून का वाहन 2 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। 48 घंटे के लिए उन्हें डिटेन भी किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करते दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो भाई आप लोग अगर जो ऐसा कर रहे हैं तो ना करें। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।